देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पत्रकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का। आप लोग मेरे आमंत्रण पे यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मेरा कहना यह है कि मैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी में वर्तमान में सचिव हूँ और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस और दुख है कि जो कांग्रेस पार्टी ने अभी जनपद हरिद्वार के अंदर टिकटों का आवंटन किया है, वो गलत तरीके से किया है। कौन कौन सी विधानसभा का? देखो, लक्सर पे भी गलत हुआ है, खानपुर पे भी गलत हुआ है और कई सीटों पे गलत कर दिया है, जो कि मुझे लग नहीं रहा है वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं। जबरेडा पे भी गलत हुआ है, जो कि लगातार लगे हुए थे 10 से 11 साल से लोग, उनको टिकट होना चाहिए था। चूंकि एक नए आदमी को टिकट दे दिया जिसको अनुभव भी नहीं है। तो खानपुर और जो लक्सर में टिकट है वो आपका मानना पैराशूट प्रत्याशी है? श्योर, खानपुर पे, लक्सर पे जो प्रत्याशी आए हैं, लोगों ने पहले भी उनको देखा है, पार्लियामेंट के चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, सब लोगों को पता है अगर जो कि टिकट क्या। का आवंटन हुआ है विचार विमर्श के बाद हुआ है, मंथन करने के बाद हुआ है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि गलत टिकट दिया गया है? नहीं, ये तो जाहिर सा ऐसी बात है, दिख रहा है, ये तो अल्लाह ने सब लोगों को अकल दी है। पार्टी पता नहीं किस दबाव में, किस तरीके से, तो कैसे सरकार लाने की बात अब कर आप रहे हैं। अपनी क्या बात उठाना चाह रहे हैं हमारे माध्यम से? देखो, इसमें आला कमान को, हमारे हाई कमान को संज्ञान लेना पड़ेगा। यदि नहीं लिया जाता है संज्ञान, तो फिर हमें भी कांग्रेस के लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। और ये तो आप कांग्रेस छोड़ सकते हैं? सच्चाई है, ये जो टिकट हुए हैं ये दबाव में किए गए हैं, जबकि संगठन नाम की चीज़ कांग्रेस पार्टी में जनपद हरिद्वार के अंदर नहीं है। किसका दबाव चार है? किसका चार दबाव मानते हैं? किसका दबाव है? एक विधायक है निजामुद्दीन, उसके अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जनपद या प्रदेश के अंदर जो वो चाह रहा है इसी तरीके से कर तो रही है खानपुर, पार्टी, दबाव लक्सर में और जबरेड़ा में जो इस। टिकट हुए हैं ये काजी निजामुद्दीन ने कराए, श्योर, चूंकि ऐसा है जबकि सब, कांग्रेस हाईकमान का नेतृत्व है, केंद्र का मामला है और राष्ट्रीय स्तर की विचार विमर्श का मंथन हुआ है, तो आप काजी जी पे कैसा आरोप लगा सकते हैं? वो यहाँ बैठ के कहते हैं जी क्या कि मैं जो चाहूँगा वो होगा कांग्रेस में, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं है उत्तराखंड के अंदर, केवल और केवल अगर नेता हूँ तो मैं हूँ कांग्रेस हाई कमान उनके। ने अगर देखो, आपकी बात नहीं मानी फिर क्या निर्णय लेंगे आप? कुछ सोचना पड़ेगा अपने साथियों के साथ, किस तरह सबसे का सलाह सोचना मशवरा पड़ेगा? करें। पार्टी छोड़ेंगे या किसी प्रत्याशी के साथ जुड़ेंगे? नहीं, ऐसा है, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, अगर आला कमान ने कोई इस पे किस तरह विचार का सोचना विमर्श ना पड़ेगा खुल किया। के पता लगे ना। बस जो हमारे साथियों सत्ताईस और का, 28 3 दिन बाकी बचे हैं अभी जो साथ, नामांकन के। देखिए, जो साथियों का फैसला होगा, आप अपने लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का, सभी का जो भी फैसला होगा, जो चाहेंगे जो कहेंगे, अभी एक बैठ के हमारी मीटिंग होगी, उसमें मीटिंग में तय होगा। यदि कहते हैं कि पार्टी छोड़नी है तो छोड़ देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, चूंकि सरकार जो है तभी आ सकती थी यदि टिकटों का आवंटन सही से हो जाता, लेकिन न जाने किन कारणों से, किन दबाव में आकर के गलत टिकटों का आवंटन किया गया है। तो क्या मानते हैं आप, सरकार नहीं आएगी? नहीं, सरकार ऐसा है ना, अगर टिकट सही बटे तो निश्चित तौर पे प्रत्याशी जीत के आएंगे, और जीत के आएंगे तो फिर सरकार भी बनेगी। तो टिकट तो बच चुके हैं। नहीं, अभी टिकट और भी बाकी हैं, और अभी इन पे जो है दोबारा से भी विचार विमर्श किया जा सकता है। आपके साथ कितने कांग्रेसी हैं जो खुश नहीं है टिकट के आवंटन से? हर सीट पे, हर सीट पे कांग्रेस के विरोधी कांग्रेस को जो है डुबाने में लगे हुए हैं। यही पहले पार्लियामेंट के चुनाव में भी हुआ, जिनको माननीय हरीश रावत जी को हरिद्वार से टिकट देना था और उनको नैनीताल भेज दिया गया, जीतने वाली सीट थी, निश्चित तौर पे निशंक को कम से कम 1-1.5 लाख वोट से हराते हरीश रावत यहाँ पर पिछले को मतलब पार्लियामेंट के चुनाव में। फिलहाल विधानसभा की बात करो ना आप। ये विधानसभा में भी यही है, गलत टिकट दिए जा रहे हैं, ये टिकटों का आवंटन जो है गलत हुआ है, इसलिए जो है मुझे लगता नहीं है जीतने वाले प्रत्याशी कांग्रेस को। हाईकमान को हमारे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? आपके माध्यम से यही संदेश देना है कि या तो इन पर पुनर्विचार करें, नहीं तो फिर हम कुछ भी सोचने पर मजबूर होंगे, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा इसमें।